ताकि जेरंग को अभी बिल दिया गया है। उसका बाद 50 जैसे अधिक लोग को अरेस्ट किया गया है। कानून बनाने वाला आप MLA लोग हैं, संसद में लॉ मेकर है, एक्चुअली MLA का रोल जो होता है उसका लॉ मेकर है, तो लोग क्यों नहीं कर सकता और रिकमेंडेशन आराम से भेज सकता है, करना है हमारा यहाँ अरुणाचल का FPSC प्यास्को का सिस्टम ठीक नहीं है बोल के आराम से कर सकता। सबसे पहले आपको सर मेरा चैनल में स्वागत है। तो आज हम इसलिए आपको पूछ रहे हैं कि जो लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है जो अभी जो नालेन बोइट को लेकर, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नालेन बोइट होना है और कोई लोग बोलते हैं कि नहीं होना है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए नालेन बोइट शायद अभी नालेन बोइट का अगेंस्ट में मैंने पिछले बार भी बोला है, हर एक इशू में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक चलने का भी काने का भी एक कैप्टन होता है, तो उस कैप्टन का जरिए नलन बोइस नहीं करना है बोल के इसमें मेरा एक तो सार किपा तान्या जी को मैंने इसमें चेयरमैन देखा है और एक जो है सेक्रेटरी अजय मार्टन जी एंड काफ़ी हमारा टीम में बहुत सारा लोग है, टीम लीडर है तिचीपुरु तदक नालो और काफ़ी सोल दो और काफ़ी हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो उन लोग से मैं यही अपील करूंगा आप नल एंड पॉइंट नहीं करना है बोल के आप सरकार को पक्ष को रखिए और मैं भी सरकार को ही रखेगा, हमारा टीम भी और आपका टीम भी रखिए, और शायद अभी अपसू टीम भी वही बोल रहा है कि उन लोग नल एंड पॉइंट नहीं होना है, अपोज है सरकार कौन सा मायका लाल है उसको करके दिखेगा, करके देखो हिम्मत है, तो ये सब का बातें हमको सुनने को मिल रहा है, तो आप सरकार को लड़िए हमको मत लड़िए ना, हम नलन बॉयज का अगेंस्ट वाला को लड़के हमको कुछ नहीं मिलेगा, बस हम सरकार को पॉलिसी बताएंगे कि नलन बॉयज किस प्रकार से होना है। देखिए नलन बॉयज जो इसलिए करना है कि अभी हम लोग सेग्रीगेशन का जब लोग बात करता है, सेग्रीगेशन का जब बात करता है तो ताकिद जेरंग को अभी बिल दिया गया है, उसका बाद 50 जैसे अधिक लोग को अरेस्ट किया गया है, वो सारा का सारा बिल मिल गया और उसका बाद अभी 3 महीना हो गया लगभग CBI एक भी अरेस्ट नहीं कर पा रहा है और अरेस्ट करने का जगह में अभी और किसी को उल्टा अब उसका जो गलत को छुपाने का चक्कर में और उन लोग गलत करते जा रहा है, ये कानून को हम विश्वास नहीं कर सकते। कानून बनाने वाला आप MLA लोग हैं, संसद में लॉ मेकर है, एक्चुअली MLA का रोल जो होता है उसका लॉ मेकर है, तो लोग क्यों नहीं कर सकता और रिकमेंडेशन आराम से भेज सकता है, करना है हमारा यहाँ अरुणाचल का FPSC प्यास्को का सिस्टम ठीक नहीं है बोल के आराम से कर सकता है, तो इसलिए नल एंड बॉयज में हम क्लियरली बोलेगा कि हम लोग अभी कानून का ऊपर में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का ऊपर में हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर उधर कानून में भरोसा करने के लिए फिर उन लोग का इन्वेस्टिगेशन अच्छा से चलना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है, तो इसलिए आई थिंक चोर को अभी धीरे धीरे वो लोग पूरा बचा रहे हैं सरकार लोग, तो इसलिए हमको लास्ट उम्मीद दिखाई देता है कि नलन बॉयज, नलन बॉयज में ही लास्ट ऑप्शन है जैसे आपको लग रहा है, यही है हमारा आपको नलन बॉयज। तो सर अभी जो मतलब जो आप शो का जो या कोई भी जो नलन बॉयज जो अपोज करता है उसका कहना है कि चोर को जो अभी जो सब नलन बॉयज को सपोर्ट करता है वही लोग चोर को बचा रहे बोलते हैं, तो आपका ये जो कहाँ तक सच है? तो चोर को बचा रहे तो आप लोग चोर को पकड़ो ना, नहीं पकड़ रहे तो 6 महीना लग गया, तो 6 महीना में चोर को क्यों नहीं पकड़ा, तो 6 महीना में तो चोर को पकड़ के लेके आने से क्या नलन बोझ करना जरूरी है, एक भी नहीं पकड़ रहे ना, ताकि जेरंग को टर्मिनेशन कर पा रहे ना, ताकि जेरंग का प्रॉपर्टी को आप सीज कर पा रहे, काफ़ी सिस्टम पिलर होके बैठा है, इसमें कैसे चोर को आप जो बचा रहे बोलता आप लोग चोर को बचा रहे, हम तो ये बोलेगा चोर, इसलिए हम अभी देखो अगर एग्जाम्पलरी अगर अरुणाचल में पैदा करना चाहता है तो सिस्टम को सुधर में लाना चाहता है तो 2014 से लेकर 22 तक अगर नल एंड बॉयज किया जाएगा कोई पेपर खरीदने हिम्मत भी नहीं होगा, सिस्टम अच्छा से चलेगा ये हम दावे का साथ बोल सकते हैं, यही है। तो सर अभी जो जो काफ़ी MLA लोग भी जो नल एंड बॉयज को नहीं होना बोल के जो अभी आप भी देखता होगा जो उसका वो विषय में आप क्या कहना चाहूँगा? सी ये नाबम न्यपो को जैसे ही अरेस्ट करेगा सब अपसू का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी फॉर्मर लोग का भी नाम निकले 100% हम गारंटी का साथ बोल सकते हैं, उसका साथ में MLA मिनिस्टर लोग का सब का कंधन से निकलेगा, इसलिए अभी सारा MLA दलाली MLA लोग नलन बॉयज को अपोज कर रहा है, ये उसका एक ही ऑप्शन सिर्फ है, इसलिए उन लोग जबरदस्ती
नाबम ये पोको बचाया जा रहा है ये। तो अभी जो ये पोर्टिन को आपसे बंद कॉल करेगा बोला है, तो उस गुस्से में आप थोड़ा नहीं नहीं उसका ऊपर में मैंने पिछले बार भी मैंने कहा है कि आपसु अगर बंद कॉल करता है तो वो आप अपना विजडम को यूज करने दो। हम तो सारा आम जनता को अपील करेगा उसको अपोज मत कर दो ना, क्योंकि अपना अपना डेमोक्रेसी है राइट वे में पाइट करने दो। लेकिन हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टूडेंट यूनियन को, जब ही स्टूडेंट यूनियन आप लीडर बन के आ जाता है तो आप स्टूडेंट वेलफेयर का बात नहीं करते, स्टूडेंट का इशू को ही पीछे रखते हैं। ये क्या वजह हो सकता है? सब आदमी सारा दुनिया जानता है, सारा अरुणाचल बच्चा बच्चा जानता है ये लोग का हरकत को। गांव गांव में इतना सारा स्कूल का समस्या, स्कूल का बिल्डिंग प्रॉब्लम होके बैठा है, उन लोग का पास में फॉर्चूनर है, करोड़ करोड़ का घर बना के रखा, रेंज रबर पकड़ के घूमता है। उसे अच्छा तो आप एक स्कूल में विजिट करके करो ना, और नल एंड बॉयज में अभी अपोज करके उन लोग बंद कॉल कर रहा भी है तो आम जनता लोग को आप लोग आपसू को लड़के कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग को सरकार एश्योर करके रखा है कि वेडन एक महीना का अंदर में करेगा बोला, उसी का मुताबिक से हम लोग भी अभी सरकार को कैसे करके लड़ना है। हम लोग एक दूसरे स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है और हम लोग कभी चुप नहीं हो सकता है। और आम जनता से मैं यही अपील करूँगा, आप आपसू को मत लड़ो, हम लोग सरकार को लड़ें, है कि नहीं? सरकार जब चाहे कर सकता है। इसलिए हम ये सारा आम जनता को क्लियर करो, अगर आपका पास में 10 लाख रुपया है या तो 20 लाख है, 50 लाख है, तो आप पेपर खरीदने के लिए बचा के रखो। जिसका पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास के लोग, सब्जी बिक्री करने वाला, मकई बिक्री करने वाला, मुर्गी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, हम लोग कभी 10 लाख 20 लाख को हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग हम लोग का जब बंद कॉल या तो सेकेंड बंद कॉल या तो धरना जो भी हो हम लोग कराता है, तो आप लोग मैदान में उतरने के लिए रेडी हो जाओ। मैदान में उतरेगा पक्का आपका मछली बेचने वाला बेटा बेटी लोग नौकरी मिलेगा, जो तमोल पान बेचता है वो भी नौकरी मिलेगा, जो प्याज बेचता है, मर्चा बेचता है, खेती से ये मकई बिक्री करने वाला लोग का बच्चा का फ्यूचर का सवाल है, उसको हम सिस्टम को टिक करने के लिए हम लोग लीड अप करेगा। हमेशा आप लोग का फ्रंट पेज रहेगा, आप लोग तैयार रहिए। मैं इतना ही सिर्फ सारा आम जनता को अपील करना चाहूँगा। थैंक यू सर, आप मेरा चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू, ओके।